ये घंटाघर स्थित माता आदिशक्ति का मंदिर है, और यहाँ पर इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए हम लोगों ने यज्ञ किया है। मेढक और मेढकी का विवाह करा गया गया है, ताकि जिससे कि हमारे भारतवर्ष में जू पानी से जूझ रहे लोगों एवं किसानों और सभी भारतीय जन को वर्षा की प्राप्ति हो और अत्यधिक से अधिक वर्षा हो, इसलिए पुरानी प्रथा के अनुसार इन मेढक और मेढकी का विवाह कराया गया है। पंडित जी क्या मान्यता है, क्या मेढक मेढकी के विवाह के बाद क्या बारिश होती है? भैया ऐसा है कि इंद्र सूक्त में लिखा है कि आसु शिशानो बृकभोन भीमो घना घना चोबड़ चरगड़ी नाम संक्रंद नो निमक एक वीरा सतगुन सेना अजय सागविंद, अर्थात कि इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए सर्वप्रथम हमारे यहाँ मेधा ऋषि ने मेधा सूक्त के द्वारा जो है भगवान इंद्र का यज्ञ किया था। तो इंद्र ने कहा कि हम तुम्हारे इस यज्ञ से प्रसन्न हैं, लेकिन अगर आप विधि विधान से मेढा और मेढक और मेढकी का विवाह पुरानी मान्यताओं के अनुसार कराएंगे तो कहीं पर भी वर्षा की और कोई भी भूख भूख से प्यास से किसान इत्यादि अन्न से नहीं मरते, इसलिए जो है मेधा सूक्त के द्वारा यहाँ मेढक और मेढकी का विवाह कराया गया, जिससे कि हमारे भारतवर्ष के लोगों में पानी इत्यादि की जल वृष्टि की कोई कमी ना हो, कोई भी जीव जंतु प्यास से न मरे। आज आपने पूजा करी है, किस पात्र में पूजा करी? बारिश हो, हाँ, ये मेढक मेढकी की। तो गर्म कितनी पड़ रही है? बहुत पड़ रही, बहुत पड़ रही। बारिश अभी तक नहीं हुई है। यहाँ समस्या क्या कि सबकी समस्या है, संसार की समस्या है, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, पारा 48 डिग्री जा रहा है। उसके निमित्त हम सब लोगों ने पुरानी पद्धति को अपनाने का प्रयास किया है कि पुरानी संस्कृति है कि जब वर्षा काफ़ी दिनों तक नहीं होती है तो जो पूर्वजों के द्वारा नियम डाला गया, जो सनातनियों का एक हमारा एक नियम है कि जब बारिश ना हो तो इंद्र देवता और वरुण भगवान को प्रसन्न करने हेतु हम लोग मेंढक मेंढकी का विवाह कराते हैं। क्या ऐसा लगाते हैं इस विवाह का उपरांत क्या बारिश होगी? बिल्कुल 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 वर्षा होगी, बिल्कुल वर्षा होगी विवाह के बाद, तो बिल्कुल वर्षा होनी होनी है क्योंकि इसमें संदेह नहीं किसी प्रकार का। क्या होगा मेंढक मेंढकी, अब बारिश के लिए पानी आनी नहीं बरस रहा है, खेती वेती लिए सब परेशान है, इतनी गर्मी भी पड़ रही है, पानी बरसना जरूरी है। हाँ अब हो गया सब, आप शामिल भाई शादी भाई। क्या लगता है बरसेगा क्यों नहीं पानी? जब पूजा भाई पाठ हुआ सबके शादी भाई तो क्यों नहीं बरसेगा पानी?